उत्तराखंड एनर्जी कॉन्क्लेव में हमारे ऊर्जा सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव श्री रंजना जी, हमारे सभी निगमों के सभी एमडी, सभी चेयरमैन और सभी आए हुए हमारे विभिन्न विभिन्न उद्योग समूह संस्थानों के सभी प्रमुख, सभी प्रतिनिधिगण, सभी का मैं आज इस ऊर्जा कॉन्क्लेव में, ऊर्जा सम्मेलन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग पधारे और आप सब लोगों ने यहां पर अपनी भविष्य की जो योजनाएं हैं उनके लिए यहां पर करार भी किए हैं, उसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और एक बड़ा करार यहां पर कितने का लगभग हो गया था, 40,000 करोड़ रुपए का जो करार हुआ है, एक बड़ी राशि है और बड़ी संभावनाएं हैं। देखिए, 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टमेंट समिट यहां पर आयोजित हो रही है और उसके उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में रहने वाले हैं। वह भी एक हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी और आगे के लिए ऊर्जा और काम करने के लिए हम सबका मार्गदर्शन भी उनके माध्यम से लगातार होता रहा है। और उन्होंने जो कुछ योजनाएं अपने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में शुरू करी थी, जैसे उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था, आप सब लोग इस उद्योग समूह से, व्यापार से सब लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, जानते हैं, तो उन कठिन परिस्थितियों में वहाँ काम हुआ था और उसी से प्रेरणा लेकर हमने भी यहाँ ये डेस्टिनेशन उत्तराखंड शुरू किया। और ऊर्जा के क्षेत्र में चूंकि मैं शुरू से मानता हूँ कि हमारे राज्य के अंदर ऊर्जा के सेक्टर में बहुत अपार संभावनाएं हैं, उत्तराखंड राज्य में असीमित संभावनाएं हैं और जितना काम किया जाए उतना कम है। और मेरे को जब चूंकि पहली बार में मैं जब इस जिम्मेदारी में आया तो बहुत ज़्यादा वो समय नहीं था, लेकिन उस समय भी मैंने उसकी शुरुआत करी कि आप लोगों के साथ एक संवाद की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, आपके साथ कम्युनिकेशन शुरू किया जाए और कम्युनिकेशन के माध्यम से ये जानकारी जरूर ली जाए कि आखिर क्या कारण रहा कि इतने सालों में ये सब चीजें जो जिसके लिए हमने राज्य बनाया था, इस राज्य के लिए जिन लोगों ने सपने देखे थे, राज्य के बारे में सोचा था, या राज्य की जब अवधारणा आई थी तो राज्य कैसा होगा और उसमें ऊर्जा सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होगा, ये सोच विद्यमान रही और तभी राज्य बनने की दिशा में आगे काम हुआ कि ऊर्जा इसका प्रमुख सेक्टर होगा, ये ऊर्जा प्रदेश होगा। जब उसमें बहुत तेजी से हम नहीं बढ़ पाए तो हमने ये संवाद की प्रक्रिया को चलाया और उसमें से उद्योग समूह के लोगों ने, क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं, देवेंद्र जी हमारे कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं, काशी विश्वनाथ वाले हैं, अन्य हैं, आप सब लोगों में से भी बहुत सारे लोग जो ऊर्जा सेक्टर में भी काम कर रहे हैं अब, या जिन्होंने काम करने के बारे में सोचा है, लेकिन वो लोग पहले से भी इंडस्ट्री के सेक्टर में भी काम करते हैं, तो उसमें जब हमारे सामने जब बातें आई और बहुत सारे उन्होंने अपने अपने जो काम होने थे या जो कुछ कठिनाइयां थी या कुछ समस्याएं भी थी जिनको सरकार आसानी से हल कर सकती थी, वो जैसे ही हमारे पास आई हमने उन सब पर काम किया। और मैं आपको बताऊं कि अगर उन्होंने 100 बातें लिखकर दी होंगी तो हमने उसमें से 99 पर काम किया, 99 पर काम किया, क्योंकि सभी कुछ पूर्ण हो जाए ये तो होता नहीं है, अतिशयोक्ति हो जाती है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, लेकिन फिर भी मैंने 1% की गुंजाइश इसीलिए छोड़ी कि मेरे मुंह से भी कोई अतिशयोक्ति ना हो। कम से कम मैं धरातल पर काम करने पर विश्वास रखता हूं। और
उस प्रक्रिया को हमने रोका नहीं, उस प्रक्रिया को निरंतरता से हमने जारी रखा। कभी हम उद्योग मित्र की बैठक करते थे, कभी आप सबके बीच में से अगर किसी ने व्यक्तिगत रूप से मिलने की बात कही हो या कोई बात हुई हो तो चीफ सेक्रेटरी उनको भी मैंने कहा कि आप बैठक करिए, आप सबसे मिलिए, आप लोगों की बात करिए। बल्कि मैं अपने जिलाधिकारियों को और पुलिस के जो कप्तान हैं जिलों के, उनको भी मैंने पिछले दिनों कहा कि आगे से ये प्रक्रिया शुरू करी जाए कि जो भी हमारे राज्य के अंदर उद्योग चलाने वाले हैं, कोई भी इंडस्ट्री चलाते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, तो उनकी भी आप बीच बीच में जो है इस प्रकार की बैठक करिए और उनसे पूछिए कि आखिर आपको क्या परेशानी हो रही है। ये संभव नहीं होता कई बार कि आप सीधे सचिवालय आइए, सीधे सेक्रेटरी से मिलिए, चीफ सेक्रेटरी से मिलिए, दूर पड़ता है। लेकिन हमने कहा कि हम अपनी तरफ से शुरुआत करेंगे, संवाद करेंगे। और ऊर्जा के क्षेत्र में मुझे कुछ लोग मिले, बोले कि हम उत्तराखंड में काम करना चाहते थे शुरुआत में, लेकिन आपके यहाँ थोड़ा पॉलिसी हमको उस प्रकार की लगी, अभी जैसा देवेंद्र जी ने कहा, अन्य लोगों ने कहा, लेकिन हमने उसमें बहुत परिवर्तन किया। आप ही में से अभी कुछ लोग आए कि आपने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है। जो कमी जहां भी थी हमने कोशिश करी है कि उसको ठीक करें। जैसे हमने 27 नई पॉलिसी बनाई है अभी इस इन्वेस्टर समिट से पहले जब हम इसकी तैयारियों में गए थे, और बहुत सारी पॉलिसीज में हमने अभी संशोधन किया है, ऊर्जा के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, जल विद्युत के क्षेत्र में, और अभी बायो एनर्जी के लिए कहा कि अभी हमारे यहाँ पर वो है तो उसको बायो एनर्जी के लिए भी आपकी तरफ से सुझाव आया है, उस पर भी हम काम करेंगे। हमारा हेतु है कि राज्य के अंदर जो संभावनाएं हैं वो आगे बढ़े, और जो भी उद्योग आप एनर्जी के सेक्टर में, अन्य सेक्टर में हमारे यहाँ पर स्थापित करेंगे, अपने उद्योग को खड़ा करेंगे, तो हमारी कोशिश होगी कि सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरा हमारा डिपार्टमेंट, उसको केवल औपचारिक नहीं कि आपको ले आए, अभी 21,000 करोड़ की ग्राउंडिंग भी हमारी यहाँ पर होने जा रही है, कुछ बड़े बड़े समूह भी आए हैं हमारे लिए, सभी समूह समान रूप से हम उनको देखेंगे, चाहे कोई कम इन्वेस्टमेंट वाला भी होगा, कोई ज्यादा भी होगा, कोई मध्यम भी होगा, लेकिन वो काम कर रहे हैं, काम सबका बराबर होगा और हमारी तरफ से उनको देखने का नजरिया भी सबके लिए बराबर होगा। किसी के साथ कोई भेदभाव किया जाएगा ऐसा नहीं है, और हमारा प्रयास होगा कि जो उद्योग समूह स्थापित हो रहे हैं, जो लगाने वाले हैं, जो ऑनर हैं, वो तो ऑनर है ही हैं, अपनी सारी पूंजी लगाकर, अपने संसाधन जुटाकर वो अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम भी उनके साथ साथ, राज्य की सरकार भी उनके साथ को ओनर के रूप में काम करेगी। को ओनर जान रहे हैं ना, आपके सहयोग के लिए को ओनर के रूप में हम लोग काम करेंगे, और हमारा प्रयास होगा कि वो जो भी काम हमारे यहाँ आपका शुरू हो, आपके समूह का शुरू हो, वो काम ठीक प्रकार से आगे बढ़े, ठीक प्रकार से उसका विकास हो, ठीक प्रकार से वो आगे बढ़ता रहे, किसी प्रकार की उसमें परेशानी ना आए, और कम्युनिकेशन लगातार बना रहे। उसके लिए आप लोगों की तरफ से अभी कुछ और सुझाव भी आए हैं जिलों के स्तर पर, जो उधर हमारी उन्होंने, बहन जी ने क्या बताया था पीछे से कि जिलों में जो है लोगों को बता दिया जाए, तो मीनाक्षी जी टीएम को और उनको आज, चूंकि थोड़ा सा क्या था कि ये एनर्जी कॉन्क्लेव हम लोग बाद में भी कर सकते थे, लेकिन ये हुआ कि जब इतना बड़ा समिट का आयोजन हो रहा है उसके बाद थोड़ा ऐसा लगेगा कि जो है बहुत बड़े कार्यक्रम के बाद फिर कार्यक्रम उतना नहीं दिखेगा, और आप लोग भी सोचोगे, अभी आपके मन में भी उत्साह है और हम लोगों के भी उत्साह है, इसलिए इसको पहले ज्यादा करना अच्छा रहेगा, नहीं तो हम सारे जिलाधिकारियों को और उनको भी, अन्य लोगों को भी इसमें जोड़ते। लेकिन भविष्य में हम इन सबको आगे बढ़ाएंगे, इसको काम करेंगे, और जो हमारे यहाँ जितनी संभावनाएं हैं उसका हम सबको उपयोग करना है, उपभोग की दृष्टि से नहीं। कई बार जो है वो एक्सप्लॉइट बोलते हैं ना, वो एक भाषा होती है एक्सप्लॉइट, और हमारे यहाँ क्या बोलते हैं जी, उपयोग करना,
सदुपयोग करना। तो सदुपयोग की दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है और जो हमारी संभावनाएं हैं उनका संपूर्णता से उसका जितना सदुपयोग हो सकता है वो करना है। तो मैं आज बहुत ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि आप सब लोगों में से अधिकांश लोग हमारे समिट में भी आ ही रहे होंगे, तो मैं सबको आमंत्रित भी करता हूँ। मीनाक्षी जी, इनका भी विशेष रूप से आप देख लेंगे कि सब लोगों को हमारे कार्ड इत्यादि जो भी उसकी व्यवस्था है वो व्यवस्था बनेगी। सभी को वैसे तो हमने आमंत्रित किया होगा, एक बना होगा, और आपने जो आज ये मेमोरेंडम किए हैं, सब निवेशकों के करार हुए हैं, उनके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पधारने के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और अपनी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।